तो वो वाला रूम टूर तो हो गया था। उसके बाद जो यहाँ का मतलब वो कहते हैं ना किंग किंग कौन है पूरे रिजॉर्ट का, वो है ये रूम। आप मतलब साइज से लगा लो कितना बड़ा रूम होगा यार, कितना बड़ा रिजॉर्ट होगा। काइंड वहाँ से स्टार्ट है नीचे से, वहाँ से होते 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 हुए यहाँ, और बैक में बहुत लंबा है। और ये जो पूरा प्राइवेट एरिया है ये सब इसी का ही है। तो चलते हैं रूम के। सेम इसमें भी सेम ऐसे ही है, कर्टन सारे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। पर यार जैसे ही से बताऊँ कर्टन सब खुलते हैं ना, है ना, एक जुल्पा अलग सा फील हो जाता है कि अलग सी यार फीलिंग आती क्या है। ही होने वाला है। तो इस कर्टन के पीछे सारा राज है। और इस रूम में जैसे कहते हैं ट्री हाउस कॉटेजेस, तो ये देखो यार रूम के बीच से ही ये कोई तोड़ा हुआ नहीं है, प्रॉपर एक पाइन का ट्री निकला हुआ है। और सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है टीवी का। इसमें उस रूम में साइज़ का बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे टीवी सेम घूम जाती है सेम। और ये अगर रूम साइज़ की बात करें तो काफ़ी बड़ा रूम है, आप देख सकते हो। वो आपकी एंट्री पॉइंट थी, अभी आपको वो भी दिखाएंगे। और यहाँ चलते हैं रूम के अंदर। छू मंदिर हो गया सब। और ये बेड थोड़ा अलग नहीं लग रहा, हाँ, ये उससे बड़ा लगा मुझे। इससे बड़ा बेड है ये काफ़ी। और उसका यार ये पेंटिंग, या वाव लुक एट द साइज। हाँ अगर यार मेरे को तो ये वुड अल्टीमेट लग रहा है। और इसका हम वॉशरूम एक बार देखते हैं कैसा वॉशरूम है। और ये भी वो साइज में काफ़ी बड़ा है। बड़ा है काफी। LEDs, इसका मिरर, ये तो यार बहुत बड़ा वॉशरूम है यार। बस बाथिंग एरिया भी। लेट्स मूव ऑन टू द बालकनी। यस अब चलते हैं यहाँ की बालकनी में। वही तो, बालकनी बहुत ज्यादा बड़ी है उससे। बहुत ज़्यादा ही बड़ी है यार। देखो ये हाँ, स्टार्ट यहाँ से हो रही है आपकी, यहाँ तो कम से कम मेरे को लगता है 10-15 का आराम से आ जाएगी। यहाँ पे आओ आप, सेट करो सेटिंग एरिया, ठीक है। और यहाँ तक ये रिजॉर्ट वहाँ तक है, इतना लंबा रिजॉर्ट है। यहाँ से व्यू अच्छा है। और मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में दिखाया था, ये अपना प्राइवेट एरिया हो गया पूरा। यहाँ पूरा प्राइवेट एरिया है पार्टीज़ फैमिली के साथ। और देखो मैंने देख ऐसे अंदर ट्री जा रहा था ना, ऐसे देखो सेम यहाँ से भी ट्री जा रहा है अंदर। और ये प्रॉपर ट्री है, ऐसे नहीं कि कोई आर्टिफिशियल ट्री लगाया हो, एवरीथिंग इज़ रियल। तो आज नाइट तो हमें यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि इतना मज़ा देख के रहा नहीं जा रहा है कि इस रूम के बिना कैसे रहेंगे। तो आज की नाइट तो यहीं रहते हैं हम लोग। और तब तक अपना लंच करना है ना हम लोग को, अभी लंच भी करते हैं। बाकी यहाँ के जो जनरल मैनेजर आपको उनसे भी मिलवाते हैं, और इस प्रीमियम रूम और प्रीमियम प्लस रूम की बारे में क्या रेट्स हैं इनका, सब वो ही बताएगी आपको। तो जल्दी मिलते हैं उनसे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ के रिजॉर्ट के जो GM सर हैं, आपको उनसे मिलाता हूँ। और आप एक बार उनसे भी जान लो कि यहाँ का क्या रेट है, कब आना चाहिए बेस्ट। तो ये है सुनील जी। सुनील जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार। तो राहुल जी ने वैसे रिजॉर्ट के बारे में आपको बता ही दिया है, जैसे हमारे पास कॉटेज है, रूम है, प्रीमियम कॉटेज है, प्रीमियम प्लस कॉटेज है। और रिजॉर्ट का नाम भी आपको शायद बता दिया है राहुल जी ने, मैंने रिजॉर्ट बता का दिया नाम है है कसौली हिल रिजॉर्ट है। एग्जैक्ट पड़ता है कहाँ पे मेन? ये गढ़कल कंडा रोड पे है, गढ़कल से ओके। राइट करके 4 किलोमीटर पे। तो हाँ जी। अपने पास टोटल कितने रिजॉर्ट्स है और कितने कॉटेजेस है? अभी टोटल इन्वेंट्री हमारे पास 20 की है। ओके। हाँ जी। तो अभी तो आने वाले टाइम में और बढ़ जाएगी है हाँ जी, ना? 40+ का हो जाएगा। पर सर टच वुड, मैं आपकी जो प्रॉपर्टीज है बहुत अल्टीमेट है, एंड मज़ा आ गया देख के। बाकी जो रेट्स है इसके लिए मैं आपका नाम और आपका जो कॉन्टैक्ट आईडी है, मेल आईडी, मैं सब इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। राइट। राइट जी। बस एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ, हाँ कॉन्टैक्ट नंबर है 8821909633 और वेबसाइट है www.kasaulihillsresort.com और रिजॉर्ट का नाम है कसौली हिल रिजॉर्ट। तो सर को आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और आप मेल भी कर सकते हो। रेट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के,
अगर कोई हमारे थ्रू आपको डिस्काउंट हाँ, में मिलेगा जरूर जरूर राहुल जी के रेफरेंस से अच्छा रहेगा। राहुल जी से तो हम बहुत पुराना वो है हमारा बहुत पुराना है, हमने काफी बिजनेस किया सर के साथ पहले भी। तो आप यहाँ पे आइए और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको यहाँ के इतना मजा आएगा कि आप खुद देखते कितने कस्टमर हमारे जो है आज भी पुराने पुराने आते हैं, है ना। तो यार कोई आपको तकलीफ नहीं है, इतनी शांति है, एक मतलब एक सुकून चाहिए आपको वो पाइन ट्री के बीच में, बिल्कुल पीसफुल प्लेस है, बहुत पीसफुल है, बहुत ही अच्छा खाना है और एमिनिटीज भी बहुत अच्छी अच्छी है। तो आप यहाँ पे आइए पक्का, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नमस्कार। नमस्कार सर। तो रिजॉर्ट का सफ़र तो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं अपना। अब बहुत ही अमेजिंग स्टे था, ठीक है। और मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी न्यू ब्लॉग में। जर्नी थोड़ा ख़त्म हुई है, जर्नी तो चलती रहती है, क्यों? बिल्कुल। और अभी हम किसी बुलेट कार्ट या सॉरी बुलेट कार्ट कह रहा हूँ गोल्फ कार में जा रहे हैं। बहुत रिस्क ले रहा हूँ हाथ छोड़ के, तो मैं रिस्क नहीं ले रहा, अब मैं अपनी जेब में हाथ डाल रहा हूँ। मिलता हूँ जल्दी ही।